अक्षय कुमार ने खुद मेरी फोटो अपने घर में लगा रखी है जी। हाँ, जब मैं बैतल पहुंचा ना 42 दिन में, तब की वो फोटो अक्षय कुमार ने अपने घर में लगा रखी है जी। अक्षय कुमार की बात, अक्षय कुमार ने बल्कि कहना एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उसे इस तरीके से बात की, मेरे साथ पूछा भाई बेटे कहाँ से आए हो। अक्षय कुमार ने मेरे को बस ये बात तो जरूर बोली, भाई आपने बेवकूफ़ी वाला काम किया, भाई आप बच्चे को साथ ले गए। तो जो गिफ्ट वगैरह लेके गए थे आप, बाइक लेके गए थे? सर मैं बाइक ले गया था, अपनी गिफ्ट ले गया था, तो मैंने उनको साथ को बोला सर मैं आपको गिफ्ट करने आया हूँ बाइक आपके जन्मदिन पर, अगले महीने दिल्ली बुलाने का वादा किया मेरे से। हाँ जी भाई, अगले महीने आपको दिल्ली मिलूँगा 15 तारीख से पहले। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव, कैथल से अक्षय कुमार का फैन। अक्षय कुमार के जन्मदिन पर यहाँ बाइक से गया था, वीडियो भी आपको दिखाई थी। रोहतास आपको बता दें कि गांव शांगन का 9 सितंबर को अक्षय कुमार का जन्मदिन था और 4 सितंबर को यहाँ कैथल से चला था अपने 2.5 साल के बेटे अक्षय के साथ। तो आपको बता दें कि इन्होंने जो टी स्टॉल बनाई हुई है उसका नाम भी अक्षय है, बेटे का नाम भी अक्षय है और इनकी बाइक का नाम भी अक्षय है। तो गिफ्ट देने भी पहुंचा था अक्षय कुमार से, बाइक की गिफ्ट इन्होंने देनी थी। तो रोहतास जी आज ही पहुंचे हैं अक्षय कुमार से मिलने के बाद, ये आज यहां कैथल पहुंचे हैं। लगभग आज अगर मैं बात करूं 18 तारीख हो गई और 4 तारीख को ये मुंबई के लिए यहां से निकले थे। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का अक्षय कुमार से मिलना हुआ, क्या कुछ दिक्कतें रास्ते में कुछ आई कि नहीं आई, तो जो गिफ्ट ये बाइक लेके गए थे वो गिफ्ट दे के आए या नहीं दे के आए। तो इनसे पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं, रोहतास जी हमारे साथ जी हैं। पहले तो आपको नमस्कार जी। जी आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। जी रोहतास जी, आप अक्षय कुमार से मिलने गए थे, आपके सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह आप वहाँ तक पहुँचे? सर मैं 4 तारीख को निकला था, 4 सितंबर को, और 9 तारीख को मुंबई पहुँचा था अक्षय कुमार के घर। अच्छा। हाँ जी सर जी। तो अक्षय कुमार उस टाइम है नहीं थे, वो इंदौर गए थे महाकाल मंदिर में, तो उनका जन्मदिन उन्होंने वहीं मनाया था। अच्छा। तो उसके बाद वो लखनऊ चले गए थे। तो अगले दिन 10 तारीख को रात को शायद 1:30 बजे करीब अक्षय कुमार ने मेरे साथ बात की थी। अच्छा। हाँ जी। तो उनके घर ही रुक रहे थे? हाँ जी, मैं घर के उनके घर था जी, उनके जो हॉल होता ना अलग से जो रुकते हैं वहीं था जी मैं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब 10 तारीख को आपकी अक्षय कुमार से बात? हाँ जी, 10 तारीख को अक्षय कुमार की मेरे साथ बात हुई। अक्षय कुमार की बात, अक्षय कुमार ने बल्कि कहना एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उसे इस तरीके से बात की, मेरे साथ पूछा भाई बेटे कहाँ से आए हो। मैंने कहा सर मैं तो हरियाणा से आया हूँ और आपको तो पता ही, पहले भी आपसे मिलने 10 पैदल गया था, 42 दिन पैदल चल के गया था। तो अक्षय कुमार ने मेरे को बस ये बात तो ज़रूर बोली, भाई आपने बेवकूफ़ी वाला काम किया, भाई आप बच्चे को साथ ले गए, क्योंकि मैं अपना लड़का साथ लेके गया था। तो फिर मैंने यही बात बोली सर, भाई बच्चा मेरे बगैर रह नहीं सका था। कमेंट भी काफ़ी आए थे कि बच्चे को साथ ले गए? कमेंट तो लगभग 90% तो जी बच्चे के साथ ही आए थे कमेंट। भाई लोगों के मेले प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, भाई ये तो मरेगा, बच्चे नहीं मारेगा, पता नहीं, लेकिन परमात्मा की दया से माले हम बाप बेटा सुरक्षित आगे ठीक ठाक आगे जी। हर रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आई जी, सबसे ज़्यादा बारिश आंधी तूफान। यहाँ से जब मैं निकला था अपना हरियाणा पार किया था, 5 तारीख को मैं कुछ राजस्थान पहुँचा था, तो मैं 6 तारीख को उदयपुर से पीछे था, तब से बारिश शुरू हुई थी, तो पूरे मुंबई तक पूरी बारिश होती गई, कभी रुक गए कभी आ गई, कभी रुक गई कभी आई। हाँ जी, रास्ते में दिक्कतें बस सिर्फ बारिश की वजह से आई थी, वैसे और कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की भी। तो आप बाइक पे ही गए थे? हाँ जी, बाइक पे गया था सर मैं। हाँ जी। तो इसके बाद अक्षय कुमार से, अक्षय कुमार के जो परिजन है उनसे बातचीत हुई? सर अक्षय कुमार के परिजन तो अक्षय कुमार के साथ ही थे, तकरीबन लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे, तो अक्षय कुमार से मेरी बातचीत हुई थी। मैंने बोला सर मैं तो आपसे मिलने आया हूँ और आपसे मिल के जाऊँगा, तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो 28 तारीख को आऊँगा और आपको तो पता भी मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि मेरा अगर मैं यहाँ आया तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, कोई पर्सनल काम होता मैं तब भी आ जाता। तो बेटे मैं उन्होंने अगले महीने दिल्ली बुलाने का वादा किया मेरे से। हाँ जी भाई, अगले महीने आपको दिल्ली मिलूँगा 15 तारीख से पहले। हाँ जी। तो कुछ फ़ोटो वगैरह भी लेके आए आप वहाँ? सर अभी तो वैसे तो उनके घर की फ़ोटो है, अक्षय कुमार घर की, और उनके बंगले के आगे की फ़ोटो है जी, लड़के के साथ जी, और बाकी जो बीच बात होते हैं समुंदर के पास वहीं की फ़ोटो है सारे की सारे जी। हाँ जी। तो जो गिफ्ट वगैरह लेके गए थे आप, बाइक लेके गए थे? सर मैं बाइक ले गया था, अपनी गिफ्ट लेके गया था, तो मैंने उनको साथ को बोला सर मैं आपको गिफ्ट करने आया हूँ बाइक आपके जन्मदिन पर। तो पहले तो वो हंसे, बोला बेटे एक बात बताता हूँ आपको, भाई मेरे पास न माले एक से एक रईस आदमी आता है मेरे बड्डे पे, करोड़ करोड़ की गाड़ी देने आता है, भाई आप तो बेचारे गरीब आदमी हो, फिर भी आपने इतना बड़े सोच के आए हो, भाई मैं आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, आपने बोल दिया मैंने ले लिया। हाँ, तो ये बात बोलूँगा। तो जो कैथल वाले हैं वेट कर रहे थे कि रोहतास अक्षय कुमार से मिल के आएगा, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने अक्षय कुमार जी नहीं पूछा था भाई आप कैसे आए, तो देखना चाहते हो आज मैं बता देता हूँ सर, आपने मीडिया के माध्यम से
भाई मेरा सिर्फ तीन लोगों ने सहयोग किया जी, वैसे तो मेरे साथ बहुत साथ हैं लेकिन तीन लोगों ने मेरे साथ जब से मैं गया और तब तक घर नहीं पहुंचा मेरा सहयोग किया। एक तो हमारे जो हमारे डॉक्टर करमवीर हैं, धर्मवीर जी हैं, जो अपने पेवा चौक पे दुकान चलाते हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया जी, हर एक चीज़ की, पैसे के भी सहयोग किया। और एक अपने अनिल कुमार लिताणी से हेड कॉन्स्टेबल हरियाणा पुलिस में, उन्होंने मेरा सहयोग किया। और एक गुजरात से हैं मयूर पटेल, उन्होंने मेरा इस चीज़ का पूरा सहयोग किया जी, पूरे खर्चे का जी, जितना मेरा सफ़र में चाहे मेरे पे मेरा टोटल खर्चा 25,000 के करीब हो गया सर, आने का और जाने का। तो इन तीन पर्सनों ने मेरा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। हाँ जी, रोहतास जी अगर बात करें कितना खर्चा टोटल आया होगा सर? मेरा टोटल खर्चा 25,000 के करीब आ गया जी। 25,000 के करीब? हाँ जी, 25,000 के करीब आ गया जी टोटल जी। तो ये थे जो रोहतास जी, जो आपको बता दें कि 4 सितंबर को कैथल से मुंबई के लिए रवाना हुए थे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के जन्मदिन को लेकर, जो उनका 9 सितंबर को जो जन्मदिन आता है। तो इनकी हालांकि बातचीत हुई है लेकिन वहां मुंबई में इनसे मिले नहीं हैं, तब वापस सहकुशल बच्चे के साथ ये कैथल आ गए हैं। तो आपको बता दें कि ये दीवाना है अक्षय कुमार का। रोहतास जी एक बात और बता दीजिए, अब नेक्स्ट टाइम कब मिलना चाहोगे अक्षय कुमार से, कोई ऐसी बात हुई है? देखिए सर, उन्होंने अक्षय कुमार जी ने बोला है भाई आपको हम दिल्ली बुलाएंगे अगले मंथ 15 तारीख से पहले, तो मैं अपना नंबर वगैरह दे के आया हूँ सर मैं, और अपना जो व्हाट्सअप नंबर होता है, अपना कॉलिंग वगैरह सब दे के आया हूँ। तो उन्होंने वादा किया है भाई मैं आपसे पक्का उस टाइम मिलूंगा जी। और आपने गिफ्ट के बारे में बोला भाई, मैं आपको कुछ गिफ्ट करूँगा, ये बात बोली अक्षय कुमार। तो लोग कह रहे थे अभी, मतलब जो रोहतास है अभी चाय की दुकान चलाता है, एक चाय वाला का इतना ऐसे कैसे जुनून होया कि अक्षय कुमार का इतना बड़ा दीवाना, इतना बड़ा स्टार से मिलने के लिए वो पहुंच गया, इतना खर्चा होगा कैसे करना पड़ेगा? देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ भाई, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग सोच होती है, कोई नेगेटिव भी है, वैसे इस चीज़ में नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि आजकल लोग साथ देने में कम होते हैं और पीछे खींचने में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये मेरी माइंडली वो सोच है भाई, मैं किसको चाहता हूँ, किसको मैं फॉलो करता हूँ, वो मेरी अलग सोच है, मैं लोगों के भरोसे थोड़ी वो करता हूँ। इन लोग गाड़ी देते हैं कुछ देते हैं, वो उनकी अलग मानसिक सोच है, इतना हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। हाँ, बाकी जो मेरा मिशन था वो मैं कामयाब करके आया, ठीक है ना। मैं किसी की मतलब गलत नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं कहता, मैं अपना जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, चाहे और ना मैं जो मेरे साथ सहयोग करता है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, तो कितने साल से, मतलब बचपन से ही? मैं तो सर बचपन से ही बहुत बड़ा फैन हूँ अक्षय कुमार का, जब मैं 8 साल का तब से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हाँ, और ये तो चलो अब की बार तुम बाइक पे गया 2013 में सर, मैं बिल्कुल पैदल ही गया था, 42 नहीं पहुंचा था। हाँ जी, ये बिल्कुल 42 नहीं पहुंचा था जी। अक्षय कुमार ने खुद मेरी फ़ोटो अपने घर में लगा रखी है जी। हाँ, जब मैं पैदल पहुंचा ना 42 दिन में, तब की वो फ़ोटो अक्षय कुमार ने मैं अपने घर में लगा रखी है जी। हाँ, आप गूगल पर सर्च करोगे ना, वैसे मेरा नाम रोहतास कुमार है, आप गूगल पर सर्च करोगे अक्षय कुमार एंड रोहतास कुमार .com तो साथ ही मेरा आएगा, अक्षय कुमार के साथ आएगा जी। तो ये रोहतास जी थे, तो इन्होंने बताया कि अक्षय कुमार के साथ इनकी फ़ोटो है, और गूगल पे आप सर्च भी करना तो अक्षय कुमार के दीवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।